मीरांध्यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हमने सुना था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले, कछुए की तरह अंदर कर ले। फिर हमने ये भी सुना कि इंद्रियों को परमानेंटली सेटिएटेड सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ हायर टेस्ट की आवश्यकता है, जो कि हमने डिस्कस किया वो स्पिरिचुअल टेस्ट है, क्योंकि वो आत्मा का टेस्ट है और आत्मा के होने से ही शरीर में कॉन्शियसनेस बनती है। आत्मा होती है तो मन इच्छाएँ करता है, आत्मा नहीं होगी तो मन भी नहीं होता उस शरीर के अंदर। तो यदि हम आत्मा का खुराक देंगे तो अल्टीमेटली पूर्ण संतुष्टि आ जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई इस हायर टेस्ट को नहीं एक्सेप्ट करेगा, जो हमने चर्चा करी थी, हायर टेस्ट संसारिक नहीं हो सकता है। संसार में हायर टेस्ट का क्या है कि आज आपने ढाबे से खाया, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि किसी बढ़िया रेस्टोरेंट से खाएँ, थोड़े दिन बाद लगेगा कि किसी अच्छे होटल से खाएँ, फिर लगे और अच्छे होटल से खाएं, और अच्छे होटल से खाएं। और जनरली संसार में लोग इन्हीं चर्चाओं पे अक्सर देखे जाते हैं कि कौन सा होटल बढ़िया है, इसका हलवा बढ़िया है, इसका पाव भाजी बढ़िया है, इसका ये बढ़िया है और इसका वो बढ़िया है। उसके लिए लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल भी करते हैं। तो हम उस हायर टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस हायर टेस्ट से आपकी हमारी तृष्णा बढ़ रही है और संतुष्टि नहीं आ रही है। तो हम परम दृष्टवा निवर्तते थे, इस हाइएस्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि भगवान के प्रसाद में है, भगवान के नाम में है, उनके रूप उनके गुण में है। क्योंकि इससे आत्मा को उसकी ओरिजिनल आत्मा, जो आत्मा हमारे शरीर का जो अल्टीमेटली शक्ति का सोर्स है, उसको संतुष्टि मिलती है और इस प्रकार से हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन कोई यदि इसको बात को नहीं मानता है, इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, श्रवण कीर्तन में नहीं लगाता है और उनको बलपूर्वक संयमित करने का प्रयास करता है, तो जैसे हम सुनते हैं हठ योगी, तो हठ योगी शब्द से ही लगता है जब हम एक तरह से बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकते हैं भाई यम नियम प्राणायाम इत्यादि से। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ये टेम्परेरीली हमने सुना था कार्य काम कर सकता है, बट ये अधिक समय तक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जो बता रहे हैं हरंती प्रसभम बना, क्योंकि इंद्रियां बहुत बहुत बलवान हैं, आप इनको हट से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। अब जो करने का प्रयास करता है वो बड़ी बुरी तरह मारा जाता है,
इसलिए यदि कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा व्रत रखने वाला व्यक्ति है, जो हम रखते हैं कई बार कठोर व्रत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कठोर व्रत रखता है वो अच्छा भक्त है, ध्यान रखिए। जो कठोर तपस्याएं करता है वो अच्छा भक्त है। अच्छा भक्त बनने के लिए उसको भगवान की भक्ति को अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, भक्तिमय कार्य जरूरी नहीं है तपस्या हो, वो तपस्याएं हैं, बट वो ऐसी तपस्याएं नहीं है जैसी कि संसार में लोग देखा गया, जैसे रावण ने भी तपस्या करी, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या करी, कई योगियों ने भी तपस्या करी। तो इस प्रकार यदि हम हट से, जैसे हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि रावण ने कितनी लंबी तपस्या करी होगी, हाँ करी ही थी, जब उसने इतना वरदान प्राप्त कर लिए ब्रह्मा से या शिव से, तो जब आदमी तपस्या करता है तो इंद्रियों को कंट्रोल तो करना ही पड़ता है, समेट कर बैठना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हीं इंद्रियों के कारण रावण का अंत हुआ। हाँ, वो लस्ट, एक वुमन के लस्ट में पड़ गया, और वैसे ही हिरण्यकश्यपु। तो इसका मतलब इंद्रियों को इस प्रकार से हम ज़्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं इसके बारे में, और जिससे कि ये क्लियर हो जाना चाहिए, भगवान यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं हाँ कि हे अर्जुन, इतनी इंद्रियाँ इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान हैं, कि यदि आप उनको बल, आप कोशिश करेंगे, विवेकी पुरुष कोशिश करते हैं ना हम लोग की कंट्रोल में करना, ये तो सबको समझ में आ जाता है कि इंद्रियों कंट्रोल में करनी है तभी हम कुछ कर पाएंगे। कुछ भी कर पाएंगे करने के लिए, जैसे संसार में अगर आपको पढ़ाई लिखाई भी करनी है तो पढ़ाई लिखाई भी तभी करेगा ना बच्चा जब मूवी और यूट्यूब और इससे हटेगा और किताब में फोकस करेगा, है ना? तो वहाँ पे बताया, ऑफिस के अंदर भी काम तभी कर पाएगा, नहीं तो कई बार ऑफिस में बैठे बैठे कहीं यूट्यूब अगर अलाउड है, तो आजकल तो अलाउड ही नहीं है, या कोई चीज़ गूगलिंग कर रहा है, कुछ कर करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। कोई भी काम संसार में करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग कृत्रिम तरीके अपनाते हैं जो कि बाद में फटते हैं बुरी तरह से। तो भगवान कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इंद्रियाँ बहुत बलवान है, बड़े से बड़ा विवेकी पुरुष भी, कुछ तो जानवर जैसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इंद्रियाँ कंट्रोल करनी है, वो कहते हैं क्यों कर रहे हैं, ये नियम क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये तपस्या क्यों है, ये व्रत क्यों है, वास्तव में सब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी, बहुत बलवान है, यदि उनको पिछले श्लोक के अनुसार हमने हायर टेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में नहीं लगाया तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हम दे सकते हैं, आप सब जानते हैं विश्वामित्र के बारे में कि बहुत बड़े ऋषि बन गए, बन रहे थे, बनने ही वाले थे, ब्रह्म ऋषि की पोजीशन पे पहुंचने वाले, इतने शक्तिशाली थे विश्वामित्र, हम जानते ही हैं। ऑल दो पहले वशिष्ठ से हारे, उनको समझ में आया, और पावर ली, और पावर ली, इतनी पावर ली कि त्रिशंकु को जीते जी स्वर्ग में भेज दिया, उस स्वर्ग में टिक नहीं पाया वो अलग बात है क्योंकि वहाँ से उसको फेंक दिया गया, लेकिन इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि उन्होंने एक प्लैनेट बना दिया। अगेन, उस प्लैनेट को मेंटेन नहीं कर पाए, अलग प्रॉब्लम है कि बना तो दिया ही था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो अब ब्रह्म ऋषि बनने ही वाला था, एक लेडी की पायल की झनकार, हाँ मेनका आई, इंद्र ने भेजी और सारी की सारी तपस्या बर्बाद हो गई। उसके बाद फिर से आई थिंक रंभा को भेजा गया और दोबारा वो फेल हो गए, इन द सेंस कि उन्होंने अपनी शक्ति से उसको जला डाला और इस प्रकार से अपनी अर्जित आध्यात्मिक शक्ति को खो दिया। हाँ, तो वो एक बार काम से और एक बार क्रोध से, दोनों बार वो फेल हो गए। हम शिव जी के बारे में सुनते हैं, शिव जी जैसे महान भक्त कोई देखे नहीं गए, वैश्वानर यथा शंभु, लेकिन उनकी एक बार इच्छा हुई कि भगवान जब आप मोहिनी रूप दिखा रहे थे तब तो मैं तो बिजी था वहाँ पर, मैं तो वो आपने मुझे जहर पीने को दे दिया पूरा, मैं तो उस जहर को समेट रहा था वो प्रोसेस निपटा रहा था, इधर से आपने मोहिनी रूप दिखा, दिखू के सारी लीला ही कर डाली, मैं आपका भक्त हूँ, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। इनके अंदर इच्छा हुई और भगवान के मना करने पर भी माने नहीं कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मोहिनी रूप से मोहित नहीं होऊंगा। और देखते देखते भगवान ने जैसी मोहिनी रूप दिखाया, ऐसा कहते हैं कि पार्वती उनके साथ में खड़ी थी और उसका भी उनको ध्यान नहीं रहा कि बीवी के सामने तो हर कोई ध्यान में रहता है, थोड़ा सेंसेस में रहता है, हाँ कि तो पिटाई होगी, लेकिन वो भाग पड़े उस मोहिनी को पकड़ने के लिए, और मोहिनी आगे और शिव जी पीछे, और सारे उनके हाँ अनुचर देख रहे थे इस दृश्य को, काफ़ी इम्बैलेंसिंग सिचुएशन थी। तो ऑल दो हम लोग भक्तों की जो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ या अभी जो आगे सुनाऊंगा, ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि भगवान इस सिद्धांत को साबित करने के लिए ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ कराते हैं, इतने महान व्यक्तियों के साथ, कि जब ऐसे लोग नहीं बचे तो आप कैसे बच जाएंगे, हम कैसे बच जाएंगे। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा,
इससे पिछले श्लोक में जो है परम दृष्ट वाले वर्तते, वी हैव टू एंगेज, हमें अपनी इंद्रियों को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाना पड़ा। इसलिए कोई भी अगर सोचे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी संगत में है, कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, हाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है, ये इनफ नहीं है। जब तक वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में नहीं लगा, जब तक वो भक्तों का संग नहीं करेगा, तब तक इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। जितनी तीव्रता से आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, आपका जप की क्वालिटी क्या है, आपके श्रवण की क्वालिटी क्या है, उतना ही इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा। नहीं तो कई बार हम बस नाम के लिए कई चीज़ें करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से शिव जी का यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कि ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस। और हम सुनते हैं मार्कंडे ऋषि के बारे में, तो ग्रेट अगेन ग्रेट 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 पावरफुल ऋषि, बहुत बहुत लंबी आयु, इतनी लंबी आयु कि ब्रह्मा जी के कल्प भी समाप्त हो जाता है, हाँ तो भी मार्कंडे ऋषि की मृत्यु नहीं आती है, वो अगले कल्प तक जा रहे हैं ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से जब मार्कंडे ऋषि ने भी भगवान को बोला कि आई वॉन्ट टू सी योर माया, बहुत सुना है देवी है शिगुणमयी मम माया दुरत, ये माया क्या है, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे ऊपर इसका कुछ असर पड़ रहा है, आई एम फ्री फ्रॉम माया। तो देखते देखते ही उसने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सामने से एकदम से प्रचंड वायु बहने लगी और समुद्र का उफान आ गया, देखते 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 सारा संसार जलमग्न हो गया, और उस जलमग्न में उस पानी में खतरनाक पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ और क्या क्या बहने लगी, और मार्कंडेय ऋषि इधर से उधर उधर से उधर फेंके जाने लगे इन लहरों के द्वारा। और अचानक से वो देखते हैं कि एक बालक है जो एक बरगद के पेड़ के पत्ते पर लेटा हुआ है, ये उस बालक को देखकर बड़े मोहित हो जाते हैं, उसको देखते रहे, कहते हैं इतनी तूफान में जब पूरा संसार जलमग्न है ये कहाँ पत्ते पर लेटा हुआ है। और जैसे उसके पास पहुँचते हैं बालक सांस लेता है और मार्कंडे उसके अंदर, और अंदर सब कुछ शांत। तो एनीवे थोड़ी लंबी कहानी लेकिन ये भागवतम में आती है, अंत में इस कहानी के यही होता है कि मार्कंडे को दिखता है कि कोई भी बादल नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई पानी नहीं है, इट वाज ऑल माया, क्योंकि वो माया देखना चाहते थे। वो एक सेकंड में उन्हें समझ में नहीं आया कि भगवान ने अपनी माया कब उनको दिखा दी। जैमिनी ऋषि की कहानी आती है, बड़े बड़े लोग हैं आप जानते हैं सारे, जैमिनी ऋषि वेद व्यास के शिष्य रहे, इन्होंने उनको वेदों को आगे डिवीज़न एक सेक्शन दिया गया, आगे इन्होंने और डिटेलिंग करी। तो जैमिनी ऋषि के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी एक बार एक शास्त्र में सुना कि यही समझ लीजिए इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, उन्होंने कहा क्या, एंड इट वाज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सिटिंग विद ऑल दिस मूमेंट्स। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है नारद जी, सॉरी वेदव्यास जी गुरु जी, मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कभी कि ऐसा कुछ है। तो वेदव्यास समझ गए कि ये अहंकार में आ गए हैं, भगवान की माया को समझ नहीं रहे। तो वेदव्यास ने कहा मुझे जरा अपना जाना है ऊपर की तरफ कुछ समय के लिए, आप थोड़ा आश्रम को संभालिए कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद आश्रम को संभालने लगे, तभी वहाँ पर एक अचानक से एक दिन रात को एक स्त्री आ गई। अब वो स्त्री आई और स्त्री बड़ी घबराई हुई थी, उसने कहा जी मैं इस जंगल में अकेली पड़ गई हूँ, फंस गई हूँ, रात का समय है, आई एम अफ्रेड, मुझे रक्षा की आवश्यकता है, और आप आपकी आपकी ड्यूटी बनती है, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं क्या करूँ इस जंगल में। कहते हैं ये तो जंगल तो यहाँ तो कोई ये तो सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, आप कैसे यहाँ पर, एक नारी तो आ ही नहीं सकती यहाँ पर। और नहीं नहीं मैं तो एक नारी को बचाना आपका धर्म है, इस जंगल में मैं क्या कहाँ जाऊँ, अकेले चले जाऊँ, चले जाऊँ क्या, कोई मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उनको लगा कि इसकी रक्षा कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है इस कमरे में चली जाइए, आप इस कमरे को अंदर से बंद कर लीजिएगा, और कोई भी बोले तो कमरा खोलना नहीं है। बोले अगर मैं भी बोलूं तो कमरा नहीं खोलना है। उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने बंद कर दिया। जैमिनी अपना गए, अपने ध्यान में लग गए, और ध्यान में लगते लगते वो सारी नारी की बातें उनके दिमाग में आने लगी, वो छम छम की आवाज़ उनके कानों में आने लगी, और उसी का ख्याल आया। आते 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 काम इतना प्रबल हुआ कि वो भागे उसकी तरफ, उस कमरे की तरफ, बोला टक टक खोलिए। हाँ उन्हें बोला नहीं, जैमिनी ऋषि ने मना किया है। बोला अरे मैं ही तो हूँ, मैं ही आया हूँ। नहीं उन्होंने, जैमिनी ने बोला कि अगर मैं भी बोलूं कि मैं आया हूं तो भी नहीं खोलना है। अब बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला, काम इतना बढ़ गया कि ये उस कमरे की छत पर चढ़ गए, रोशनदान से निकल के कूद के कमरे के अंदर आ गए, और उसको ऑफर बोला क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी। उसने कहा हाँ तुम जैसे ऋषि के लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, एक शर्त है, आप अपने मुँह में थोड़ा कालक पोत लीजिए और मुझे पीठ में बैठा के मंदिर की तरफ लेके जाइए। वो काम से इतने पागल हो गए थे, उन्होंने उसको भी कर दिया। उन्होंने कहा रात हो रही है कौन देख रहा है,
हाँ, और इसी हालत में वो मंदिर में गए, पीछे से उस लेडी ने एक जोर से थप्पड़ मारा, और जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा उनके गुरुदेव वेद व्यास खड़े थे और वही नारी का रूप लेके आए थे। तो उन्होंने देखा, आप तुम्हें समझ में आया, इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना, कि बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति का भी हार लेती है ये। हाँ, यदि वो इसको बलपूर्वक करने का प्रयास करता है, हठ से करने का प्रयास करता है, जो कि आजकल के संसार में देखने को मिलता है। जैसे बता रहे थे कि हमारा बच्चे की बड़ी अच्छी संगति है जी, हमने देखा है वो आगे जाके क्या हो जाता है, कई बार बहुत गलत गलत चीज़ों में वो फंस जाता है। तो करना क्या होगा, डिवोशनल एक्टिविटीज़ में सीरियसली एंगेज करना पड़ेगा। उसी तरह से नारद मुनि की भी कहानी आती है कि नारद मुनि के साथ भी एक आध बार ऐसा हुआ, कथाओं में आता है, जो भी है, ये बड़े महान भक्त हैं, कि एक बार उन्होंने भी इसी तरह से, भगवान आई डोंट बिलीव कि मुझे कुछ हो सकता है, तो भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ जल लेके आइए, और वो जल लेने के लिए गए, और जब गए तो रास्ते में एक स्त्री मिली, वही कि मैं बड़ी अनाथ हूँ, ये है वो है, तो उसकी बातों से इतने कैप्टिवेटेड हो गए, उन्होंने कहा मुझे आप मेरे से कोई विवाह नहीं करता है, मैं गरीब लड़के, आप मेरे से विवाह करेंगे, विवाह कर डाला, घर बना डाला, हाँ घर में रहने लगे, वो पानी लेने आए थे भूल गए सारा बात, और घर में रहने लगे, वहाँ उनके बच्चे भी हो गए, और बच्चे हो गए, और अचानक से एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई इतना इतना आ गई कि वो लोग सब चढ़ के छत पे चले गए, उस घर के सब बह गया, अचानक से उनका बच्चा बहने लगा, और उस बच्चे को बहने के लिए उन्होंने किसी तरह से हाथ पैर खींच के रोकने की कोशिश करी, लेकिन अचानक से बच्चा उस बाढ़ में बह गया, और वो जोर से चिल्लाए, तभी भगवान बोले नारद चिल्ला क्यों रहे हो। तो नारद ने ये सब कुछ, भगवान ने उसको एक इल्यूजरी दिन समय दिखाया, वो भूल गए सब कुछ, उनको लगा कि मैं एक जिंदगी जी के आया हूँ। तो इस प्रकार कैसे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, शास्त्रों में ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अननेसेसरली एक तो इंद्रियों को एक्सपोज नहीं करना है, जैसा हमने पहले भी सुना था, क्योंकि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। हमने यमुनाचार्य का एग्जाम्पल भी सुना था पिछले श्लोक में। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब तक हम भगवान के ध्यान लगाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी तक इस संसार में हम बच पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बचना इम्पॉसिबल है। इस प्रकार से हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन में यदि रहेंगे, भक्तों के संग में, तो हमारी ये रक्षा होगी, नहीं तो हमारी रक्षा की कोई गुंजाइश नहीं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।